हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर टू ऑफ थर्ड क्लास मैथमेटिक्स बुक मैथ्स मैजिक. चैप्टर नेम इज फन विद नंबर्स. इसमें हम नंबर्स के साथ फन करने जा रहे हैं. इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है. बहुत सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर होंगे इसमें. देखिए, इसमें जो ये बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, है ना, कुछ बच्चे हैं, ये आपस में खेल रहे हैं. ये क्या कर रहे हैं, देखिए. राधिका, गोरी, विक्की, इंद्रा एंड सुनील वर कलेक्टिंग इमली सीड्स. ये जो बच्चे हैं, इमली के बीज इकट्ठे कर रहे हैं. देखो, जैसे ये है ना, देखो, इसने इंद्रा ने कलेक्ट किए 54 सीड्स, सुनील ने कलेक्ट किए 38 सीड्स, और जो गौरी है, गौरी ने कलेक्ट किए 47 सीड्स. और इसने कहा, राधिका ने, आई हैव पिक्ड 24, और इसने जो किए हैं, विक्की ने, वो किए हैं 47, ठीक है. तो डैश कलेक्टेड द मोस्ट सीड. मोस्ट होता है बच्चों बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, मोस्ट सीड. तो सबसे ज़्यादा सीड इसमें किसने कलेक्ट किए हैं, 42, 24, 47, 38, 54. इसमें से हमारा ग्रेटर क्या होगा, 54. तो हमारी ये कौन है, इंद्रा. तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा, इंद्रा कलेक्टेड मोस्ट सीड्स. नेक्स्ट है, सुनील विल कलेक्ट डैश मोर सीड टू बी इक्वल टू विक्की. इसने कहा, सुनील को जो है कितने और कलेक्ट करने पड़ेंगे विक्की के जितने बनाने के लिए. आप देखो, सुनील के हैं 38, ठीक है, सुनील के हैं हमारे 38, और जो विक्की है उसके है 42. तो इसको कितनी और कलेक्ट करने पड़ेंगे 38 से 42 पे जाने के लिए. देखो, 39, 40, 41, 42, ओनली 4 सीड्स. तो इसमें आ जाएगा हमारे 4, अदरवाइज हम सब्ट्रैक्ट करके भी देख सकते हैं. इफ़ राधिका गेट 6 मोर सीड्स शी विल हैव. उसने कहा, अगर राधिका को 6 और मिल जाते, ठीक है, 6 मोर सीड्स मतलब 6 और मिल जाते, तो राधिका है हमारी इसमें, देखिए उसके पास 24 है, तो 6 और मिल जाते तो कितने हो जाते, 24 में आप प्लस करेंगे 6, तो उसका आंसर आ जाता हमारे पास 30. हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव मोर देन 40 सीड्स. इसमें कितने चिल्ड्रन के पास मोर देन 40 सीड्स हैं. देखो, एक तो इंद्रा के पास है, फिर हमारे पास एक गौरी के पास है, और एक है विक्की. तो हाउ मैनी, तो इसमें आंसर आ जाएगा हमारे पास 3 चिल्ड्रन, ठीक है, यहाँ आ जाएगा हमारा आंसर 3 चिल्ड्रन. नेक्स्ट इज डैश नीड 3 मोर सीड्स टू हैव 50. किसको 3 सीड्स की नीड है कि उसके 50 बन जाए. देखो, हम चेक करेंगे, है ना, सबके में इसमें 3 जोड़ो, 42, 43, 44, 45 बनेंगे. इसके बनेंगे हमारे पास 25, 26, 27. इसके बनेंगी गौरी के 47 क्या, 48, 49, 50. तो गौरी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो इसमें आएगा, गौरी नीड्स 3 मोर सीड्स टू हैव 50. सुनील हैज़ 2 सीड्स लेस देन 40. सुनील के पास जो है 2 सीड्स लेस हैं 40 से, एंड डैश हैज़ 2 सीड मोर देन 40. सुनील के पास तो 2 कम है, 40 में से 38 चला गया, और किसके पास 2 ज़्यादा है 40 से, 42 ज़्यादा, 42. तो 42 किसके पास है हमारे पास, विक्की. तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा विक्की. नाउ टर्न द नेक्स्ट पेज, डोट गेम. हमारे पास एक डोट गेम हमें गिवन है. गेस द नंबर ऑफ डोट्स इन द सर्कल. हमें जो ये गिवन है, जैसे ये सर्कल बनाया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने गेस कर लिया कि इसमें सीड्स होंगे 12, ठीक है, गेस किया ये तो मैंने, बट काउंट नहीं किया. अब काउंट करना है, नाउ काउंट. देखो, मैंने 12 बताया, देखते हैं कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ये तो 16 है ना. तो इस यही है कि हमें पहले गेस करना है कि हमारा कितना गेस ठीक होता है. तो मेरा गेस तो रॉन्ग था, है ना. तो हमें चेक करना है, ऐसे ही सर्कल बना के अपने फ्रेंड से पूछो, इसमें कितने हैं, ठीक है, उसको बोलो इसमें कितने हैं, बस एक बार बता के, फिर वो
फिर उसको काउंट करना है, हमें गेस करके काउंट करना है। ये गेम है बच्चों की, इससे बहुत ही लॉजिकल पावर जो होती है, एस्टिमेशंस जो होती है ना, वो इंक्रीज हो जाते हैं, एस्टिमेशन की हाँ इतना होगा। धोनी सेंचुरी, अब हमारे पास है धोनी सेंचुरी। सेंचुरी मीन्स धोनी की सेंचुरी, हमारे धोनी जो है इंडियन कैप्टन रहे हैं। सेंचुरी मीन्स होता है जो 100 रन्स बनाता है, 100 रन्स के बाद हमारी क्या बन जाती है, एक सेंचुरी, ठीक है। और 50 रन्स के बाद हमारी बनती है हाफ सेंचुरी, ठीक है, शतक, सेंचुरी। वन डे मैच बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका इन गुवाहाटी, एक दिन इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में मैच हुआ। इंडिया बैटिंग फर्स्ट, और इंडिया ने बैटिंग करी स्टार्टिंग में। धोनी ऑन 96, ओनली वन बॉल लेफ्ट, विल ही कंप्लीट हिज सेंचुरी। उसने कहा धोनी के 96 रन्स है और सिर्फ एक ही बॉल बची हुई है, ओनली वन बॉल लेफ्ट, क्या वो सेंचुरी कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो वन बॉल पे हो सकता है उसका 6 लग जाए या 4 हो जाए, है ना, छक्का लग जाए, चौका लग जाए उसका, तो वो कंप्लीट कर सकता है। एंड टू लुक एट दिस, व्हाट अ मार्वेलस 6, और उसने क्या किया फिर 6 लगाया इतनी तेज से। तो धोनी ने 96 बनाए थे पहले, 6 और बना दिए, है ना। हैज़ ही कंप्लीटेड सेंचुरी 96 के बाद, देखो आप 97, 98, 99, 100, 101, 102 हो गए होंगे उसके, तो 102 हो गए उसके, तो 102 पे उसकी सेंचुरी बन गई होगी क्या, यस, क्योंकि उसने 100 को क्रॉस कर लिया। तो इसमें आंसर आ जाएगा हमारा यस। फिल इन द ब्लैंक्स है कि धोनी स्कोर, धोनी ने कितना किया, एक 6 लगाया था उसके बाद 96 में आप 6 प्लस करेंगे, आया 102। नेक्स्ट है हाउ मेनी रन्स डू दीज प्लेयर नीड टू कम्प्लीट अ सेंचुरी, कि सेंचुरी बनाने के लिए इनको कितने रन्स की नीड है। एक तो मेथड है हमारे पास, हम 100 में से 93 को सब्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, जैसे 93 है इसके, 100 पे जाना है, या तो 100 में से सब्ट्रैक्ट कर लें, या फिर 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, तो कितने हो गए ये 7, आप 7 लिख देंगे यहाँ पे। आपने बड़े ध्यान से देखना है पहले कि 93 है, 93 को काउंट नहीं करना, 93 के आफ्टर, ठीक है। जैसे 97 है इसके आफ्टर 98, 99, 100, तो हो गए 3। ऐसे ही 89 है, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, हो गए 11। फिर 99 के बाद 1, ठीक है। ऐसे ही हमें ये कंप्लीट करना है। उसके बाद है आफ्टर 99 वी गो ऑन दिस लाइक दिस, है ना। उसने कहा 99 के बाद हम यहाँ आ जाते हैं 100, 101, 102। तो अगर 99 की बात करें ना बच्चों हम, वो हमारा ग्रेटेस्ट 2-डिजिट नंबर है, ग्रेटेस्ट 2-डिजिट नंबर। और स्मॉलेस्ट 2-डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होता है हमारे पास, 2-डिजिट नंबर 10 से। तो स्मॉलेस्ट 2-डिजिट नंबर जो होगा हमारे पास वो होगा 10, और 99 के बाद ख़त्म हो जाता है, उसके बाद 3-डिजिट शुरू हो जाते हैं, 1, 2, 3। तो हमारे पास यही है, इसमें नंबरिंग है, इसमें ना कुछ फिलअप्स आपके पास गिवन है, 99 की स्पेलिंग 99, 100, 101, जैसे 102 है तो आप लिखेंगे 102, ठीक है। पहले यहाँ का कंप्लीट कर लीजिए, अदरवाइज 99, 100, 103, 104, 105, 107 के बाद 108, 109, 110, 111, 112, ऐसे इसमें 195, 196, 197, 198, 199, 201 के बाद 202, 203 के बाद 204। फिर इनकी स्पेलिंग जो है वो हमें राइट करनी है, 202, ये सारी स्पेलिंग्स हमें करनी है। इसकी भी 107, टू
अब इसने कहा है ओ 206, गेस हाउ मेनी मोर टू मेक अ ट्रिपल सेंचुरी, किसको ट्रिपल सेंचुरी के लिए कितने रन चाहिए। देखो बेटा, जो ट्रिपल सेंचुरी मीन्स है हमारे पास 300 रन्स है ना, डबल सेंचुरी 200, एक सेंचुरी जो बनेगी हमारे पास 100, फिर 200 डबल सेंचुरी के लिए और ट्रिपल के लिए 300। तो 300 के लिए आप क्या करेंगे, इसमें 300 में से आप 206 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगा 992। 9 में से 6 गया 3, तो हमारा आ गया 9 में 6 गया 4, 94 विल बी द आंसर। नाउ टॉप 10 स्कोर्स इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप, टॉप 10 स्कोर्स के कुछ वो दिए हुए हैं हमें। देखो एपीजे ने इतने स्कोर किए, सारे बच्चों के कुछ प्लेयर्स के स्कोर्स हमें गिवन है कि जिसने जितना जितना स्कोर किया। अब है हमारे पास सीके जो है हमारे, उसने क्या किया, जस्ट मिस्ड हिज सेंचुरी, उसने बिल्कुल पॉइंट पे, सीके पे जाएंगे ना 99, कि उसने बिल्कुल पॉइंट पे अपनी सेंचुरी को मिस कर दिया। हाउ मेनी रन्स डिड ही नीड टू मेक अ सेंचुरी, सेंचुरी बनाने के लिए उसको कितने रन चाहिए, तो सेंचुरी के लिए उसको कितने रन्स की नीड है। अगर हम बात करें 99 है पहले उसके, 99 के बाद 100 ओनली वन रन। नेक्स्ट है डैश एंड डैश स्कोर्ड ऑलमोस्ट इक्वल रन्स, किसने जो है इक्वल रन बनाए, ऑलमोस्ट होता है कि बिल्कुल आस पास, बिल्कुल सेम से बनाए हम, ठीक है। अगर हम देखेंगे ना यहाँ, इसने 127, इसने 128, लेकिन ये कौन है, 128 है एपीजे और 127 है वीवीएस, उसने स्कोर किए ऑलमोस्ट इक्वल रन। डैश स्कोर्ड अ कंप्लीट सेंचुरी, नो लेस नो मोर, ऐसा कौन है जिसने कंप्लीट सेंचुरी बनाई है, ना ही उससे ज़्यादा ना ही उससे कम। 100 पे कौन है हमारा, एएस, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने, सेंचुरी मीन्स है 100 रन्स। नेक्स्ट है मोस्ट रन्स स्कोर्ड बाय वन बैट्समैन आर डैश, कौन से बैट्समैन ने सबसे ज़्यादा रन बनाए, मोस्ट रन स्कोर बाय द बैट्समैन आर, देखो 178 सबसे ज़्यादा नंबर पे है, तो यहाँ आ जाएगा 178। डैश एंड डैश हैव अ डिफरेंस ऑफ जस्ट वन रन बिटवीन दैम, किसके बीच में जो है सिर्फ वन नंबर का डिफरेंस है इन दो के बीच में, है ना, 127 128, तो आ जाएगा हमारे आंसर ए पी जे एंड सी के हैव अ डिफरेंस ऑफ जस्ट वन रन बिटवीन दैम। डैश स्कोर टू मोर देन वन एंड हाफ सेंचुरी, देखो वन एंड हाफ सेंचुरी, एक तो वन और एक हाफ, 50 प्लस हो गए, 150 हो गए, 150 से टू ज़्यादा, 150 से टू ज़्यादा तो मतलब 152 किसने बनाए हैं, 152 बनाए हैं केएसपी, तो यहाँ आ जाएगा आपका केएसपी स्कोर्ड टू मोर देन वन एंड हाफ सेंचुरी। नाउ काउंटिंग इन टेंस, हमें टेंस में काउंट करनी है, जो काउंटिंग है हमारे पास 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे होता जाएगा हमारे पास 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऐसे ही 110, 120, 130, 140, 150, 160 ऐसे ही 310 है, 320, 330, 340, 350, 360 ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। फिर हमारे पास है मेनली इसमें क्या है, 720 गिवन है, 720 है, तो हमें ऊपर का भी देखना है हमारा क्या होगा, वो होगा इससे पहले हमारा 710, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऐसे बनता जाएगा हमारे पास। उसके बाद है काउंटिंग इन 50s, अब जैसे इसमें हमने 10 का काउंट वो किया ना, हमने गैप 10 प्लस करते गए, इसमें 50 का करना है, 200, 250 फिर आप 250 में ना 50 प्लस कर लेंगे, 250 में 50 प्लस किया तो हमारा आ गया 300, तो लिखेंगे 300, फिर 50 किया तो 350, फिर आ गया हमारे पास 400, 400 में 50 प्लस करेंगे 450, 500, 550, 550 में करेंगे 600, फिर 50 करा 650, फिर 700,
750, 800, 850. तो इस नेक्स्ट है हाउ फार कैन यू गो लाइक दिस, जैसे 50-50 प्लस करके आप कितनी दूर तक जा सकते हो. अच्छा, तो हम कितनी भी दूर जा सकते हैं, है ना. तो हम जा सकते हैं इसमें एंडलेस, ठीक है, कि हमें नहीं पता हम कहाँ तक जा सकते, कहीं तक भी जा सकते हैं ना. व्हाट इज द बिगेस्ट नंबर कैन यू कॉल आउट, जो बिगेस्ट नंबर होगा उसको आप क्या बुलाएंगे, कैन यू कॉल आउट. तो बिगेस्ट नंबर हम नहीं बता सकते, हमारा क्या होगा, व्हाट इज द बिगेस्ट नंबर. तो द बिगेस्ट नंबर कैन नेवर बी कॉल्ड एज देयर इज नो बिगेस्ट नंबर, इसमें कोई बिगेस्ट नंबर नहीं है, तो बिगेस्ट नंबर कैन नेवर बी कॉल्ड. वैसे भी नहीं बता सकते हम बिगेस्ट नंबर कौन सा है, तो इसमें आ जाएगा द बिगेस्ट नंबर नेवर बी कॉल्ड. नेक्स्ट इज कलर द नंबर, हमें कलर करना है नंबर्स पे, किस पे कौन सा कलर करना है. देखिए हमारे पास ये चार्ट गिवन है, ग्रीन कलर करना है 140, जहाँ पर भी आपको 140 इसमें लिखा हुआ दिख रहा है उसमें आपने ग्रीन कलर करना है. देखो ये 140 है, इसमें आप ग्रीन कलर करेंगे. फिर है 202 हमारा कहाँ लिखा हुआ है, इसमें 202 ये लिखा हुआ हमारा 202 में आपने ग्रीन कलर करना है. ये जितने भी नंबर है इनको सोल्व करके आपने करना है ग्रीन कलर, और इन वालों में करना है रेड कलर. जितने भी जैसे 54 पे आप गए, ये रहा, इसमें आप करेंगे रेड कलर, ठीक है. इस लाइन वाले सबको सोल्व करके आप रेड कलर करेंगे, और इसमें जो येलो है इनको सोल्व करके आप येलो कलर करेंगे. जैसे आपको मान लो ये सोल्व नहीं करना आ रहा 300 + 70 + 4, तो आप बच्चे प्लस भी कर सकते हैं 374. बस ये ध्यान रखना प्लस करते टाइम वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस. कई बार कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं 30, 74, वो गलत है, ठीक है. तो यहाँ आ जाएगा 473, तो 374, तो 374 हम यहाँ चेक करेंगे इसमें कहाँ लिखा हुआ है 374, ये रहा 374, उसमें आप ग्रीन कलर करेंगे. ये एक्टिविटी है, ऐसे आपने करनी है. नाउ जंपिंग एनिमल्स, अब हमारे पास कुछ जंपिंग एनिमल्स हैं. जो जंपिंग एनिमल्स हैं वो है गबरू, बनी एंड तारू. जो गबरू, बनी और तारू हैं वो जो है एक गेम खेल रहे हैं. जंपिंग एनिमल्स हैं, जंप कर करके कुछ गेम खेल रहे हैं ये बच्चे. ये अब इसने कहा गबरू, बनी एंड तारू आर जंपिंग ऑल द वे, वो सारा दिन जंपिंग करते रहते हैं. गबरू जंप्स ऑन एवरी सेवेंथ बॉक्स, गबरू जब भी जंप करता है वो सेवेंथ बॉक्स पे करता है, बनी करता है फिफ्थ बॉक्स पे, और तारू करता है फोर्थ बॉक्स पे. जंप कर करके फोर्थ बॉक्स पे जाते हैं वो, इतना छोड़. तो सबसे लंबी जंप कौन लगाता है, गबरू, और छोटी तारू. तो गबरू स्टार्ट जंपिंग फ्रॉम नंबर 90, बनी स्टार्ट करता है 99 से, और तारू स्टार्ट करता है 106 से. अब इसने कहा देखो बनी टेंथ जंप कहाँ पहुँचेगा, बनी, ठीक है, बनी जो हमारे पास है वो 90 नंबर पे है, तो 10 जंप करके वो कहाँ पहुँचेगा. देखो मैंने इसमें ना आप सबके लिए एक ईजी करने के लिए बनाया है, जो बनाया है ये, जैसे गबरू जो है वो कहाँ से शुरू करता है, गबरू स्टार्ट करता है 90 से, और बनी स्टार्ट करता है 99 से, और तारू स्टार्ट करता है 106 से. गबरू जो है जंप लगाता है 7 के बाद, 7 छोड़ के, बनी 5, और तारू जो है 4. तो गबरू पहले जब 90 पे है तो 7 के बाद बन जाएगा 97, फिर 104, उसमें 7 प्लस करते जाएंगे. 104 में 7 प्लस किया 111, 118, 125, ऐसे हमारे पास ये बन गया. ऐसे बनी के 99 में 5 प्लस कर दिए हमने, और फिर हमने इसमें भी तारू के में 4 प्लस कर दिए. तारू जो है लेट पहुंचेगा, देखो सबसे लंबी लाइन है तारू की, है ना, वो उससे थोड़ा सा जल्दी, ये और भी जल्दी पहुंचेगा गबरू, इनको जो क्रॉस करना है. और जो देखो जो क्रॉस करना है ना उसको कहाँ से आना है, यहाँ जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये 90 से स्टार्ट कर रहा है, ये 99 से कर रहा है, ये 106 से कर रहा है तारू,
तो इनको जो पहुंचना है वो लास्ट नंबर है देखो 174 या 174, जो हमारी काउंटिंग में आएगा हम उसी को ले लेंगे। अब इसने कहा है देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे आप, बनीज टेंथ जंप इज ऑन नंबर। बनी की जो टेंथ जंप है वो कहाँ होगी, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो कौन से नंबर पे होगी बनी की टेंथ जंप, वो होगी 160 पे बनी जंप करेगा। अरे सॉरी, इसमें बन्नी की पूछी गई है, सॉरी मैंने इसकी बता दी गबरू की, तो हमें क्या करना है, हमें तो बन्नी की बतानी है। तो बन्नी की टेंथ जंप होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 149। नाउ तारू टेंथ जंप इज ऑन नंबर, फिर तारू की टेंथ जंप कौन सी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसकी होगी 146 पे। फिर हमारे पास गबरू टेंथ जंप, गबरू की हमने अभी निकाली थी, गबरू की टेंथ जंप किस पे होगी, 160 पे हो जाएगी इसकी हमारी। नेक्स्ट है हमारे पास गबरू एंड बनी बोथ जंप ऑन नंबर 104, वो कहाँ कहाँ दोनों एक जगह पे कॉमन आते हैं, एक नंबर तो बताया उसने देखो गबरू और बनी, अगर हम बात करें गबरू और बनी उसने कहा 104 पे तो इकट्ठे जंप करते हैं वो, और कौन कौन से नंबर पे जंप करते हैं वो, तो हम इसमें से देखते हैं और कौन सा हमारे पास दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर आप देखेंगे वो आ रहा है हमारे पास 104 के बाद 139, उसके बाद आ रहा है हमारे पास 139 के बाद 174, है ना। तो इन दो नंबर, ये दोनों में कॉमन है, क्योंकि देखो ये 99 से इसने जो ये आपस में जंप लगाएंगे तो कहीं ना कहीं कॉमन कुछ ना कुछ आ जाएगा, तो इसमें भी यही कॉमन आ रहा है, तो इसमें आप लिखेंगे 139 और 174। नेक्स्ट इज फाइंड आउट तारू एंड बनी जंप्स ऑन नंबर, तारू और बनी जो है कौन कौन से नंबर पे जंप करते हैं, तारू और बनी को पूछा इनमें से कॉमन क्या है, मींस कौन कौन से नंबर पे वो एक दोनों में सेम है, एक तो ये सेम है 114, और क्या सेम होगा हमारे पास, और सेम है हमारे पास 114, 134, 154 और 174, ये फोर नंबर हमारे दोनों में है, तो इसमें आंसर आ जाएगा हमारे पास 114, 134, 154, 174। इज देयर एनी नंबर वेयर ऑल द थ्री ऑफ देम जंप, क्या कोई ऐसा नंबर है जहां तीनों जंप करते हैं, यस तीनों सबसे लास्ट में 174 पर जंप करते हैं, तो इसमें आंसर आ जाएगा यस ऑन नंबर 174। नाउ गेस हु विल फिनिश इन द लीस्ट जंप, गेस करो कौन सबसे कम जंप करके, सबसे कम जंप उसको करनी पड़ेगी कि यहाँ पहुँच जाएगा लास्ट में, तो सबसे कम जंप किसको करनी पड़ेगी, देखो जिसने सबसे कम जंप करनी पड़ेगी पहुँचने के लिए वो कौन है, गबरू, गबरू को सबसे कम करनी पड़ेगी इन हाउ मेनी जंप्स, और कितनी जंप्स में, यहाँ से काउंट करेंगे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 12 जंप्स में उसको कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर मान लो तारू की पूछ लेते हैं कितने में करेगा, तो हम यहाँ एक छोड़ देते हैं उसके बाद हमारी फर्स्ट जंप होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है। नाउ क्लास जंप, अब क्लास जंप चल रही है, इसमें क्या है जंप टू स्टेप फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मीन्स होता है आगे जाना है, जैसे 104 से 106, 108,
110, 112, 114, 160. टू स्टेप्स बैकवर्ड, बैकवर्ड हमें जाना है 262, 260, 258, 256, 254, 252, 250. अब है 10 स्टेप फॉरवर्ड. फॉरवर्ड मीन्स प्लस करना है आपको, बैकवर्ड मीन्स माइनस. फॉरवर्ड जाना है हमें 110, 120, 30, 40, 50, 60, 70. 10 स्टेप बैकवर्ड मीन्स 200, 190, 180, 170, 160, 150, 140, है ना. कंटिन्यू द पैटर्न, ये सेम है, हमें अपने आप देखना है कौन सा पैटर्न. जैसे 550, 560, 570, 580, 590 ये आपने आप खुद करना है. 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970 ऐसे. 209 ये बैकवर्ड है, 207, फिर 5, 203, 200, हाँ ये मैं करा देती हूँ, देखो 203, फिर बैक जाएंगे 201, 201 में से अब 2 कम करेंगे ना आप, तो 197, 401, 203, 405, 607 ऐसे. सिंपल है बहुत. लेजी क्रेजी शॉप, नेक्स्ट है हमारे पास लेजी क्रेजी. दिस इज़ अ जंगल शॉप. लेजी क्रेजी गिव थिंग्स ओनली इन पैकेट ऑफ 10, 100 एंड लूज. इसने कहा ये सिर्फ या तो पैकेट में देती है 10s में, 100 में या लूज आइटम्स. फाइंड आउट हाउ मैनी पैकेट ऑफ 10, 100 एंड लूज आइटम विल ईच डे फिलिंग द प्लान्स. तो इसमें हमारे पास 1s, 10s और 100 का कंसेप्ट है. डियर स्टूडेंट आपने ध्यान देना है, ये होता है हमारे पास 1s place सबसे लास्ट, ठीक है. ये होता है हमारा 10s place और 1 है हमारा 100 place, ठीक है. ये कंसेप्ट आप थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है. मान लो 1, 4, 7 है. 7 जो है वो 1s place, 4 जो है 10s place और 1 जो है 100 place. तो आपने क्या करना है, 1s, 10s, 100, ठीक है. ये वाले जो है आपको, ये आपको लूज, 1s का मतलब है अलग अलग सारे, ये वाले लूज के लिए कंसेप्ट किया गया है. इसने कहा है ना लूज आइटम, लूज आइटम कौन से हैं, वो ये 7 लूज होंगे इसमें और 10, 10 के 4 मिलेंगे उसको और 100, 100 का 1. आप देखो इसने कहा है 100 का पैकेट ये वाला है, ये बहुत बड़ा सा है ना, ये बोरी बनी, इसमें 3 लूज है, 3 लूज, 4 ये वाले और 100 का. इस वाले में हमारे पास 1s कितनी है लूज वाले, 1s है 0, तो इसमें आ जाएगा 0, कुछ भी नहीं मिलेगा लूज तो. और 10 का 1 पैकेट और 100 के कितने मिलेंगे, 2, तो यहाँ पर हमारे पास 100 के 2 मिलेंगे, 100, 100 ऐसे बना देंगे. नेक्स्ट है हमारे पास 242 में भी ये 1s होता है, ये 10s, ये 100. ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट, काउंट करते हुए जैसे 242 लिखा उसने, 1s यहाँ से शुरू नहीं करना, 1s, 10s, 100, नो, ये रोंग हो जाएगा. हमें शुरू करना है 1s, 10s, 100, ठीक है. हमें अपने राइट एंड से शुरू करना है 1s, 10s, 100. अब हमारे पास 242 में 1s कितने हैं, 2, तो 2 तो लूज मिलेंगे उसको, ये लूज कैरेट बना देंगे 2. और जो हमारे पास 4 है वो 4 बॉक्सेस, 4 10, 10 के और 100, 100 के भी 2 मिलेंगे, 100, 100 के. नेक्स्ट है 552, इसमें क्या 1s, 10s, 100, 2 1s ये लूज वाले, 5 ये 10, 10 के और ये 100 है 5 के, ये यहाँ 5 आप ये बना देंगे, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज लेजी क्रेजी ऑल्सो हैज़ अ क्रेजी वे ऑफ टेकिंग मनी. लेजी क्रेजी को भी क्रेजी वे था कि मनी कैसे लेनी है. ही टेक्स ओनली इन, या तो 100 में लेती है या 10 में या फिर कॉइन्स में. फाइन नाउ फाइंड आउट हाउ मैनी विल पे हिम फॉर वट दे हैव टेकन, कि उसने कितना लिया होगा. तो आपने क्या करना है, इसमें हमें बताना है उसने कितना क्या लिया होगा 420 के लिए. उसने क्या लिया होगा, सेम कंसेप्ट डियर स्टूडेंट आपने यूज़ करना है, ये वाला वंस के लिए, मतलब ये वाले कॉइन्स के लिए, लास्ट वाला जो होता है वो कॉइन्स के लिए होता है हमेशा. ये वाला टेंस, 10, 10 के नोट के लिए
और ये वाला 400 के लिए। तो इसमें उसने क्या लिए होंगे, अगर हम बात करें 400 के नोट, है ना, तो इसमें आपने सॉरी ये ड्रॉ कर देने हैं 400 के नोट, 100 100 100 100 लिख देना उसमें, 100 100 100, है ना, और 2 10 10 के, और 10 10 के नोट होंगे 2, और ये होंगे 0, यहाँ कुछ नहीं आएगा। अब 143 में क्या होगा आपके पास, ये वंस ये लूज 3 कॉइन, फिर 4 10 10 के, सॉरी 4 10 10 के हमारे पास, और नेक्स्ट है 100 का। सेम कंसेप्ट हमारा वंस टेंस और 100 का, यहाँ पर भी वंस फिर टेंस फिर 100, वंस टेंस, इसमें 100 है ही नहीं तो इसमें 100 पे कुछ नहीं बनेगा, आपने टेंस पे भी 5 बना देने हैं और वंस पे भी 5 कॉइंस बना देने हैं आपने, ठीक है। नाउ हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैच दिस नंबर, आई कम बिटवीन 40 and 50 एंड देयर इज अ 5 इन माय नेम। उसने कहा मैं जो है 40 और 50 के बीच में आता हूँ और मेरे में एक 5 है, तो 45 इन्होंने दे रखा है। नेक्स्ट हमारे पास है आई हैव 9 इन माई नेम एंड आई एम वेरी क्लोज टू 90, और मैं 90 के बिल्कुल क्लोज हूँ। 90 के क्लोज क्या होगा, जहाँ 9 आएगा 89, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 89 के बाद, क्योंकि 90 आता है। इफ़ यू हिट अ 4 आफ्टर मी, उसने कहा अगर तुम मुझे हिट करते हो आफ्टर 4, यू स्कोर अ सेंचुरी, और तुम सेंचुरी बना लोगे। अब यहाँ से देखो किस नंबर के 4, अगर आप 4 और प्लस कर लोगे तो सेंचुरी बन जाए, ये रहा 96 में 4 प्लस करेंगे 97 98 99 100। नेक्स्ट है आई एम इक्वल टू 10 नोट्स ऑफ 10, उसने कहा मैं इक्वल हूँ 10 10 के 10 नोट ले लो या इक्वल, तो 10 10 के 10 नोट कितने बन गए हमारे 100, तो ये आ जाएगा 100। आई एम सेंचुरी प्लस हाफ सेंचुरी, सेंचुरी कितना होता है बच्चों, 100 प्लस हाफ सेंचुरी होता है 50, 100 और 50 को मिलाया 150, ये आ जाएगा 150। आई एम एग्जैक्टली इन बिटवीन 77 एंड 97, मैं बिल्कुल इसके बीच में हूँ 77 फिर 97 77 87 है ना 77 87 97। नेक्स्ट है हाउ मैनी आर दीज, ये कितने हैं हमें बताने हैं, ये कितने हैं, तो आप देखेंगे इसमें ये कितने हैं। देखो 100 100 के कितने हैं यहाँ पर, सबसे पहले डियर स्टूडेंट आप लूज काउंट कर लो, लूज यहाँ नहीं है ना, तो 0। अब 10 10 के कितने हैं, 1 2 3 4, और 100 100 के 1 2, ठीक है 240 रुपीज़ है। अब इसमें लूज कितने अकेले अकेले, ये रहा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लिख दो। अब 10 10 के कितने हैं, ओनली 1, और 100 100 के 1 2 3, तो 3 1 9 हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है आप इसमें लूज काउंट करो 1 2, 10 का कितना है ओनली 1, 100 100 के 1 2। नेक्स्ट आपके पास है आप काउंट करेंगे तो लूज कितने हैं हमारे पास इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लास्ट में ही लिखना है डियर स्टूडेंट, बार बार मैं बता रही हूँ, वंस का कंसेप्ट आपने बाद में ही लेना है। फिर हमारे पास 10 के कितने हैं 1 2 3, और 100 कितना हमारे पास 1 138। नाउ अब हमारे पास इसमें वंस नहीं है तो वंस हो गया 0, क्योंकि कोई लूज नहीं है यहाँ पे कॉइन, और 10 10 के 1 2, और 100 100 के 1 2 3 320। नाउ हु एम आई, देयर इज नो बिगेस्ट नंबर, टेक एनी यू कैन फाइंड आउट, एड मी टू गेट द नेक्स्ट वन टू काउंट, कीप इन माइंड। नेक्स्ट आपके पास है आई एम चंदा मामा, मैं एक चंदा मामा हूँ। आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स बट ट्विंकल इन द स्काई, इनके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं ना, जो स्टार में स्टार्स है जो ट्विंकल करते रहते हैं सन के साथ, इसके मून के साथ साथ, तो येस यू आर राइट माई फ्रेंड्स आर स्टार्स। वन डे ऑल ऑफ देम केम टू माई होम, एक दिन वो उसके घर गए। आई स्टार्टेड काउंटिंग टू सी हाउ मैनी फ्रेंड्स हैड कम, तो देखा कि कितने सारे फ्रेंड आए हैं, बट माई फ्रेंड्स वर टू मैनी, क्योंकि वो तो स्टार्स तो बहुत ज़्यादा थे। सो टू रिमेंबर दिस देयर नंबर आई फाउंड समथिंग लाइक दिस,
हेलो एवरीबॉडी, तो ऐसे बोलना पड़ा उनको, मून मामा काउंट हिज टेयरी फ्रेंड्स, आई काउंटिंग वन स्टार एंड कैप मी वन कार्ड इन माई पॉकेट. उसने कहा वन काउंट किया तो वन स्टार रख लिया, वन कार्ड रख लिया उसने, टू लिया तो टू कार्ड रख लिए. जब इसने ये कितने कार्ड्स हो गए, इट मीन्स कितने स्टार है, 1 2 3 4 5 स्टार रखे होंगे, तो 5 कार्ड्स रखे होंगे तो 5 स्टार्स हैं. और इसने कहा व्हेन आई हैड 10, जब 10 हो जाते थे तो वो ये वाला कार्ड यूज़ करते थे, 10 वाला. बट माई फ्रेंड्स कैप्ट कमिंग, लेकिन मेरे फ्रेंड्स आते जा रहे थे, सो आई हैड टू काउंट मोर स्टार, इसलिए मुझे और ज़्यादा काउंट करने पड़े. माई पॉकेट्स वो गेटिंग फुल, उसकी पॉकेट पूरी फुल हो गई. सो व्हेन आई हैड 10 कार्ड्स लाइक दिस 10, उसने कहा जब उसके पास 10 10 के 10 हो गए ना, तो उसने 100 का कार्ड ले लिया. बट आई हैव सो मैनी मैनी फ्रेंड, माई पॉकेट कैप गेटिंग फुल, उसकी पॉकेट जो है पूरी की पूरी फिल हो गई. तो देखिए इसमें भी सेम कंसेप्ट है डियर स्टूडेंट, वंस टेंस और हंड्रेड का. वंस के लिए वो अकेले अकेले कार्ड, टेंस के लिए 10 10 के कार्ड, जब 10 हो जाते थे, और जब 100 हो जाते थे वो 100 का कार्ड. तो इसमें भी हमारे पास वंस और टेंस, वंस कितने हैं 9, तो हमने 9 सिंगल सिंगल, और टेंस कितने हैं 1, तो हमने लिया 1 10 का. अब इसमें वंस कितना है 1, तो 1 बनाएंगे, और टेंस कितने हैं 2, तो हम 2 बनाएंगे टेंस, 10 10. नेक्स्ट है 95, वंस टेंस, इसमें भी सेम है, 5 वंस आप ड्रॉ करेंगे और जो टेंस है वो करेंगे 9. अब 201 के लिए वंस टेंस 100, वंस कितने हैं 1, तो 1 बना दिया. टेंस हमारे पास है ही नहीं, कुछ नहीं बनाएंगे. 100 कितने हैं 2, तो हमने 2 बना दिया. ऐसे ही हमारे पास 260 है, इसमें वंस है 1, वंस तो है ही नहीं, सॉरी 0, और 100 आ जाएंगे, टेंस आ जाएंगे हमारे पास 6, हम 6 ड्रॉ कर लेंगे इसमें, 6 टेंस हमने ड्रॉ कर लिए लाइक दिस. और 2 हमारे पास है इसमें 100, 100 हमारे हैं 2, 2 आप 100 100 ड्रॉ करेंगे, ठीक है, अच्छे से ड्रॉ करना आपने नीट एंड क्लीन. ऐसी 300 में जैसे है वंस और टेंस तो नहीं है, 100 ड्रॉ करना आपने बस, 300 जैसे 3 के 100 100 के 3 नोट्स. नेक्स्ट 306 है वंस टेंस 100, वंस 6 करेंगे, टेंस नहीं है, 100 करेंगे आप 3. ध्यान देना है आपने इस बात पे, देखो ये कंसेप्ट ध्यान देना है. मान लो 208 है, ठीक है, तो वंस हो गया ये, टेंस 100. देखो आपको वंस तो ड्रॉ करने हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. अब टेंस तो 0 है तो आपको नहीं ड्रॉ करना. अब 100 आपके पास 2 है तो आपने 200 100 के ड्रॉ करने हैं, ये ध्यान देना है. नेक्स्ट 344 है, इसमें भी वंस टेंस 100, वंस 4 है, टेंस भी 4 है, 100 भी 3 है, सेम एज इट इज. नाउ व्हेन आई हैड 10 10 कार्ड्स इन माई पॉकेट, उसने कहा जब मेरे पास 10 10 के कार्ड्स हो जाते थे, आई नो आई हैड काउंटेड 20 स्टार, उसको समझ में आ जाता था कि उसने 20 स्टार्स हो गए. नाउ कैन यू टेल मी द नंबर ऑफ स्टार काउंटिंग इन ईच केस, ईच केस में हमें बताना है हमने कितने स्टार काउंट किए. राइट द आंसर इन द ब्लैंक, आपने आंसर ब्लैंक में लिखना है. देखो 10 और 10 कितने हो गए, 100. अब मैं आपको वंस टेंस के कंसेप्ट से ही बताऊँगी, वो ईजी होगा आपके लिए, ठीक है. अब कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6, वंस कितने हैं 6, टेंस कितने हैं 1 2, ठीक है. इसमें देखो वंस नहीं है 0, टेंस कितने हैं 1 2 3, और 100 कितना है 1. ऐसे ही सेम इसमें वंस नहीं है, टेंस कितना है 1, और 100 कितने हैं 1 2 3, 310. इसमें हमारे पास वंस नहीं है, टेंस नहीं है, और 100 है 1 2 3 4, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास इस वाले में वंस, अगर हम देखें 1 2 3 3 हो गया, टेंस हमारे पास एक भी नहीं तो 0, 100 है 1 2 3 4 5 6 600 3. नाउ तो इसमें वंस है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, और टेंस है हमारे पास ओनली 1, और 100 है 1 2 3 360. ऐसे ही आप काउंट करते जाएंगे, वो आपके लिए बहुत इजी होगा डियर स्टूडेंट.
और आप कभी भूलेंगे भी नहीं। वन से हमारे पास वन, टेन से वन टू थ्री और हंड्रेड है वन टू थ्री फोर। ऐसे इसमें वंस नहीं है, टेंस भी नहीं है और हंड्रेड कितनी है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। ठीक है, ये पता है आपको कौन सा नंबर बन गया? अब ये बन गया हमारे पास 1000। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे डियर स्टूडेंट। आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।